लिबरलिज्म कहा जाता है, और यह लीवर से बना है। लीवर का अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अर्थात वह राजनैतिक और नैतिक दर्शन। यह एक प्रकार का फिलॉसफी है, एक प्रकार का दर्शन है जो पॉलिटिकली दर्शन के रूप में माना जाता है। कई लोग इसे नैतिक दर्शन के रूप में भी कहते हैं। वह राजनैतिक और नैतिक दर्शन जो व्यक्ति को महत्ता देता है, व्यक्ति को महत्ता देता है, महत्व प्रदान करता है, और राज्य की भूमिका को गौण मानता है, गौण मानता है। अच्छा, व्यक्ति की महत्ता किस रूप में होगी? तो मैंने कहा ना, व्यक्ति महत्व, व्यक्ति को जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी बंधु, व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। इस अवधारणा, इस प्रकार की अवधारणा जो सबसे पहले जो दिया था इसके संबंध में, उदारवाद के संबंध में जॉन लॉक ने दिया था। यह एक इंग्लिश विचारक रहे हैं, इंग्लिश विचारक रहे हैं, और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के ही इंग्लैंड के में 17वीं शताब्दी के दौरान में गौरवमयी क्रांति हुई थी। गौरवमयी क्रांति के कारण वहां पर उदारवाद जैसी अवधारणा स्थापित हो पाई। एक्चुअली आवश्यक क्यों पड़ा, मैं इसको एक डायमेंशंस के रूप में दिखाने की कोशिश करता हूं। जब तक आप इसके, क्योंकि देखिएगा, आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में यदि आपका विभिन्न डायमेंशंस के आधार पर टॉपिक्स कवर नहीं होंगे ना, तो कवर नहीं हो पाएगा आपका, कितना भी पढ़ लीजिए। अगर मैं इसको डायमेंशंस दिखाऊं तो सबसे पहला आता है कि कहते किसे हैं, परिचय इसका क्या है। नहीं, उदारवाद का मतलब क्या होता है। दूसरा, अगर मैं बात कहूं तो इसका विकास कैसे हुआ, क्या आवश्यक कारण क्या रहा, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी उदारवाद के विस्तार का, इसका विकास किन स्वरूप में हुआ, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इस संबंध में विचारकों का मत क्या रहा है, विचारक का मत क्या रहा है। और जब भी विचारक पढ़ेंगे ना आप, तो दो विचारक जो पढ़ेंगे, पश्चिमी विचारक और पूर्वी विचारक। पूर्वी विचारक का कहने का मतलब है भारतीय विचारक के संबंध में, आप इसे जरूर देखेंगे। तीसरा, क्या वर्तमान समय में इसकी, मैं इसे थोड़ा सा लिंक करके बता रहा हूं प्रासंगिकता के रूप में, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, लिंक कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट का भी पेपर देंगे, बहुत सारे, क्योंकि आप तो असिस्टेंट 11th 12th वाले जो देंगे, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना एक प्रकार का, ठीक है। अब वो अगर उसे कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो संभव नहीं है कि वो कवर कर पाएगा, क्लियर। तो इसका प्रासंगिकता क्या है, इसलिए मैं लिंक करके बताऊंगा कि इस संबंध में क्या कहता है। एक्चुअली मैं इसकी शुरुआती आवश्यकता पे बात करता हूं, मध्यकाल के दौरान। अच्छा, मध्यकाल के तो आप जानते हैं कि मध्यकाल में राजतांत्रिक व्यवस्था बहुत प्रचलित थी, और राजतांत्रिक व्यवस्था में मध्यकाल के दौरान राजतंत्र स्थापित था, और राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने से यूरोप में ऐसे तो भारत में भी उस समय राजतंत्र स्थापित था मध्यकाल के दौरान, नहीं, यूरोप में पोप शाही का बड़ा वर्चस्व था, पोप शाही का बड़ा वर्चस्व था। अब पोप शाही का वर्चस्व होने के कारण सारी सत्ता अपने हाथों में लेकर के बैठे हुए थे, सारी सत्ता अपने हाथों में लेकर के बैठे थे। इस समय पोप शाही का वर्चस्व था, पोपों का, जिसके कारण सत्ता, जितना भी अधिकार है, सत्ता और सत्ता संबंधी जितना भी अधिकार है, सारे मूल अधिकार पर इन्होंने एक प्रकार से कब्जा कर रखा था, व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल के दौरान तकनीकी विकास होता चला गया, जैसे जैसे तकनीकी विकास होता चला गया,
यानी कि साइंस और तकनीक की भूमिका जैसे जैसे बढ़ती चली गई, उसमें डार्विन का बड़ा योगदान था। और डार्विन ने सबसे पहली चुनौती दी थी, पहले तो सारे क्रियाकर्म को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया जाता था, धार्मिक मान्यताओं को और बाइबल को सबसे पहले जो चुनौती दिया वह डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत के आधार, विकासवादी सिद्धांत की जब अवधारणा प्रस्तुत की, एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, उसने सबसे पहले चुनौती दी। और उसी समय मेंडल का उदय हो चुका था और मेंडल ने भी आनुवांशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स रहे आनुवांशिकी का सिद्धांत पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेंडल ने आनुवांशिकी का। उसी समय डार्विन भी आया था, डार्विन सुपरस्टार के रूप में आया। उसी समय जैसे जैसे तकनीक और कंपास का विकास होता चला गया, तकनीकी में कंपास और अन्य का विकास होता चला गया, व्यक्ति की प्रमुखता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब पोप शाही पर धीरे धीरे नियंत्रण, अब व्यक्ति अधिक से अधिक अधिकार की मांग करने लगा। 17वीं शताब्दी तक आते आते जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, तकनीक का विकास होता चला गया, तकनीक का विकास हुआ, वैसे वैसे औद्योगिक क्रांति की तरफ इंग्लैंड बढ़ रहा था। और इंग्लैंड में नए नए तकनीक के आधार पर अब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हो रही थी। 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते लगभग 1650 के बाद, 1665 अप्रोक्स के आसपास एक गौरवमय क्रांति आई। और उस अवधारणा के व्यक्ति को भी अधिकार मिलना चाहिए, इस संबंध में सबसे पहले जॉन लॉक ने विचार प्रस्तुत किया। जॉन लॉक ने, कई बार लॉक से आपका क्वेश्चन आया होगा, पलट करके देखिएगा क्वेश्चन, लॉक से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जॉन लॉक से। जॉन लॉक ने सर्वप्रथम उदारवाद की अवधारणा दी, जिसके तहत व्यक्ति को महत्ता प्रदान की गई, व्यक्ति को महत्ता प्रदान की गई। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति को स्वयं का निर्णय करने का अधिकार, स्वयं का निर्णय करने का अधिकार, करने का अधिकार, उसकी प्राथमिकता, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे अधिकार मिलना चाहिए। और राज्य की भूमिका सिर्फ इतनी हो, राज्य की भूमिका सिर्फ इतनी हो कि राज्य उसको सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करे। इन्होंने व्यक्ति के महत्ता को स्थापित करते हुए राज्य की भूमिका को गौण माना, राज्य की भूमिका को गौण माना। और इन्होंने राज्य को नाइट वॉचमैन की संज्ञा दी, नाइट वॉचमैन की संज्ञा दी। बाद में कई विचारकों, हॉब्स, रूसो, कई विचारकों ने इसका समर्थन भी किया। तो जॉन लॉक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने उदारवाद की स्थापना पर जोर दिया, और उदारवाद का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक या पिता माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदारवाद का जनक किसको माना जाता है, तो जॉन लॉक को माना जाता है। इस उदारवादी व्यवस्था में, इसको जो जॉन लॉक ने समय के साथ 17वीं शताब्दी से जो शुरुआत हुई, 17वीं शताब्दी से या बढ़ते बढ़ते 1930 के दशक में इसका परिवर्तन आया। इस व्यवस्था को, पहले व्यवस्था को शास्त्रीय उदारवाद कहते हैं, शास्त्रीय उदारवाद। जो जॉन लॉक ने जो अवधारणा दिया उसको शास्त्रीय उदारवाद की संज्ञा दी जाती है। शास्त्रीय उदारवाद में व्यक्ति को महत्ता दिया जाता है, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को महत्ता और व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, व्यक्ति को अधिकार मिलता है। किस रूप में? तब व्यक्ति जो है पूंजी का विकास कर सकता है, पूंजी का विकास कर सकता है,
व्यक्ति संपत्ति का निर्माण कर सकता है, संपत्ति का निर्माण कर सकता है, उसका विकास कर सकता है। यही संपत्ति का निर्माण और संपत्ति का विकास बाद में पूंजीवाद की अवधारणा बनी, जिसने समाजवाद को जन्म दे दिया। मैंने कहा ना कि इस व्यक्ति को महत्ता दी जाती है, व्यक्ति को महत्व, राज्य की भूमिका नहीं। लेकिन जैसे जैसे यह व्यवस्था आगे बढ़ रही थी, इसमें कई कमियां आती चली गई, असमानता की खाई उत्पन्न कर दी। असमानता का मतलब कि कुछ कुसंसाधन पर ज्यादा नियंत्रण हो गया और किसी संसाधन किसी को कम नियंत्रण रहा, जिससे असमानता की खाई उत्पन्न हो गई। 1930 के दशक में जब वैश्विक मंदी आया वर्ल्ड पर, वैश्विक मंदी आया, तो वैश्विक मंदी से बेरोजगारी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी समस्या। और हम लोग पढ़े हैं 1929-30 में सबसे बड़ा वैश्विक महामंदी आया था। इस वैश्विक महामंदी के दौर में एक उदारवादी व्यवस्था में संशोधन हुआ, और वो संशोधन जिसको संशोधित उदारवाद कहा जाता है, इस दौर में एक नई अवधारणा आई, संशोधित उदारवाद या सामाजिक उदारवाद, एक नई अवधारणा आई। इस अवधारणा को प्रस्तावित करने वाले ग्रीन J.S. मिल थे। इस अवधारणा में कहा गया 1929-30 तक आते आते कहा कि भैया अब तक तो सिर्फ व्यक्ति प्रमुख है, राज्य की भूमिका नहीं है। नहीं, यहां पर कहा कि नहीं, राज्य भी विकास का कार्य करेगा। और यही 2020 के कोरोना में भी हुआ। मैं इसलिए मैंने कहा ना इसकी प्रासंगिकता कितनी है। हाल ही में पुतिन साहब ने 1-2 साल पहले उदारवाद पर चोट करते हुए कहा कि उदारवाद समाप्त हो गया है। 2020 में यही अवधारणा स्फुटित हुई। जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान सारी कंपनियां बंद हो गई थी, और मैंने कहा ना कि इसमें संपत्ति का निर्माण और संपत्ति का विकास करने का भी अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार। इसलिए असमानता की खाई इसने पूंजीवाद को जन्म दे दिया था। 2020 में याद कीजिए कि जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर कंपनियां बंद हो गई या बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अगर वहां राज्य हाथ नहीं लगाता, राज्य यदि उसको सहयोग नहीं करता, चाहे वैक्सीन के रूप में, चाहे मनरेगा के माध्यम से रोजगार के रूप में, नहीं चाहे आपका देखिए 500 रुपया जनधन अकाउंट में देने के रूप में, तो आप देखिए कि कितनी त्राही मचता। नहीं उस समय यानी कि कहा कि नहीं जी, व्यक्ति के विकास के साथ साथ राज्य का भी समर्थन होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर इस संशोधित उदारवाद जो ग्रीन और जेएस मिल ने जो अवधारणा दिया था, इसमें व्यक्ति के साथ साथ राज्य की भी महत्ता को बढ़ा दिया। राज्य की पहले तक व्यक्ति महत्वपूर्ण था, राज्य एज ए नाइट वॉचमैन था। 1930 के दशक में एक नई अवधारणा आई और व्यक्ति के साथ साथ राज्य की भी भूमिका को स्थापित कर दिया, और कहा कि राज्य का भी काम व्यक्ति का विकास करना होगा। इसी अवधारणा ने फेबियन समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। इसी अवधारणा ने फेबियन समाजवाद को प्रस्तुत किया, जिसके समर्थकों में बर्नार्ड शॉ, नहीं एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे, ये सभी आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करे राज्य, लेकिन राज्य का कर्तव्य जो है वह व्यक्ति के विकास के लिए होना चाहिए। ग्रीन ने तो एक नई अवधारणा दी। हाँ, लिखाएंगे भी, नोट्स भी हम देंगे। अब देखिए, हम नोट्स भी देंगे और लिखवाएंगे भी। अभी तो मैं समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट्स लिखवाऊंगा भी और साथ साथ क्वेश्चंस भी डील करवाऊंगा। क्लियर? अब यहां पर तो व्यक्ति और राज्य दोनों का महत्व मिला। ग्रीन ने तो एक अवधारणा दी, इन्होंने कहा कि यह एक आवश्यक अच्छाई है, यह एक आवश्यक अच्छा है। राज ग्रीन ने
राज्य के संबंध में जो अवधारणा दी, और ग्रीन ने कहा कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शास्त्रीय उदारवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा था। आवश्यक इसलिए कि यह सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं, मैं शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार बात कर रहा हूं। और बुराई इसलिए कि हमारा शोषण कर सकता है। आवश्यक अच्छाई इसलिए कि हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं, और हमारा विकास करता है। इसलिए अलग अलग विचारकों ने इस संबंध में अलग अलग मत दिए। लेकिन जैसे जैसे इसमें विकास होता चला गया, 1930 के बाद, 1945 के बाद एक नई अवधारणा क्रिएट हुई। और इंग्लैंड में लगभग 70 के दशक में मार्गरेट थैचर सत्ता में आई, और मार्गरेट थैचर नव उदारवाद के विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। नव उदारवाद, इसको थैचरवाद कहते हैं। वहां अमेरिका में रीगनवाद, रोनाल्ड रीगन ने अवधारणा दी तो रीगनवाद कहलाया। और इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने थैचरवाद की अवधारणा दी। ये सभी दोनों, मैं आगे दोनों भी कितना लेगा, ये अलग अलग सब्जेक्ट का है, आगे आगे देखें। पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अब जैसे हम आपको सारा डिटेल्स दे देंगे। क्लियर? अब बात आते हैं, तो उस समय उस अवधारणा के तहत हेयक ने एक नए विचारक का उदय हुआ। इसमें भी कई कमियां आई। हेयक ने संशोधित उदारवाद में एक कमियां देखी, और इन्होंने कहा कि देखो जी मानते हैं इन्होंने कहा कि देखो जी मानते हैं कि व्यक्ति का विकास करता है, व्यक्ति का विकास राज्य करता है, राज्य द्वारा व्यक्ति का विकास होता है, लेकिन राज्य इतना शक्ति अपने में केंद्रित कर लेता है, इतना केंद्रित कर लेता है कि यह राज्य शोषक बन जाता है, यह राज्य शोषक बन जाता है, और यह सारी शक्तियां अपने में केंद्रित कर लेता है। जब शोषक बन जाएगा बंधु, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इन्होंने संशोधित उदारवाद, फेबियन उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य को यदि हम शक्ति दे देते हैं तो राज्य शोषक बन जाता है, और राज्य यदि शोषक बन जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता हानि हो जाएगी। इन्होंने पूर्ववर्ती शास्त्रीय उदारवाद को ही प्रमुखता प्रदान की, और उन्होंने कहा राज्य नाम की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, राज्य की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने एक नई विचारधारा दी, हेयक ने एक नई विचारधारा दी जिसको नव उदारवाद कहा गया। और यह नव उदारवाद राज्य के महत्ता को पूरी तरह से समाप्त करता है, और शास्त्रीय उदारवाद की अवधारणा को स्थापित करने पर जोर देता है। भारत में भी समय समय पर उदारवाद, अच्छा भारतीय संविधान निर्माताओं को पढ़ करके देखिएगा, मैंने कहा ना कि उदारवाद में व्यक्ति को महत्ता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 को पढ़ करके देखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार को। मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 उदारवादी अवधारणा से ही प्रेरित है, जिसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, व्यक्ति को संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। यहां तक कि जब मूल संविधान लागू हुआ उस समय अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत संपत्ति का विकास करने का भी अधिकार दिया गया था। पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है, एनसीईआरटी से बाहर है ही नहीं। हम 11th क्लास के, आप एनसीईआरटी को उठा करके देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत 11th क्लास के एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये इसका उल्लेख है, राजनीतिक सिद्धांत में। और ये स्वतंत्रता वाले टॉपिक को पलट करके देखिएगा, और वही एनसीईआरटी के 11th क्लास में आप पलट करके देखिएगा संवैधानिक विकास, उसमें भी इसका उल्लेख है। क्लियर? तो मैं एनसीईआरटी से बाहर हूं ही नहीं,
पूरी तरह से एनसीईआरटी पर ही केंद्रित हूं, क्लियर। तो उन्होंने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी उदारवाद की प्रमुखता को स्थापित किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा है, लेकिन उन्होंने नियंत्रित स्वतंत्रता को रखा है कि यदि आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो राज्य इसको समाप्त भी कर सकता है। चलिए, बाद में एक नव उदारवादी अवधारणा में और संशोधित होता चला गया और संशोधन हो गए और दो नए विचार क्रिएट हुआ जिसको समुदायवाद कहा गया और बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा दी गई। इसी में संशोधन होते हुए दो नए विचार आए, समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद। इसीलिए ध्यान रखिएगा बंधु कि उदारवाद अपने आप में हमेशा परिवर्तित करता रहा है। शास्त्रीय उदारवाद से होते हुए संशोधित उदारवाद तक, मैं फिर से इसको बता रहा हूं, शास्त्रीय उदारवाद से होते हुए, इसको परंपरावादी उदारवाद भी कहते हैं, जिसकी अवधारणा जॉन लॉक ने दी, हॉब्स और रूसो ने इसको आगे बढ़ाया, होते हुए संशोधित उदारवाद की तरफ आया। संशोधित उदारवाद आया, संशोधित या इसको समाजवादी उदारवाद भी कहते हैं, या आप फेबियन समाजवाद भी कहते हैं, होते हुए नव उदारवाद की संज्ञा दी गई, नव उदारवाद आया। नव उदारवाद से होते हुए बहुसंस्कृतिवाद और समुदायवाद की भी अवधारणा क्रिएट हुई, समुदायवाद की भी अवधारणा क्रिएट हुई। यह इसका विकास चरण है कि किस प्रकार उदारवाद ने अपने आप को समय समय पर परिवर्तित किया है। उदारवाद की अगर विशेषता माने, देखिए अब इसके डायमेंशंस पर आइए, मैंने कहा ना कि अगर आप इसके डायमेंशंस को समझ लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उदारवाद का मतलब जिसमें व्यक्ति को महत्ता प्रदान किया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति के राज्य की भूमिका को गौण रखा जाता है, इसने इसके चरण अगर देखेंगे तो शास्त्रीय उदारवाद से लेकर के और समुदायवाद तक इसका विस्तार होता चला गया, जो मैंने भी विभिन्न चरणों में दिखाया। मैंने कहा ना कि कारण इसका, तो जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया और जैसे जैसे मानव अपने अधिकारों का प्रयोग मांग करने लगा, अपने विकास के लिए मांग करने लगा अधिकार का, वैसे वैसे उदारवाद की अवधारणा प्रस्तुत हुई जिसकी कई विशेषताएं उदारवाद की। अगर मैं इसके विशेषता की बात करूं उदारवाद की, तो इसने कई, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्ता मिलता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्ता मिलता है। मैं उदारवाद की अवधारणा की बात कर रहा हूं, विशेषता की, और हर किसी की विशेषता अलग अलग है। मैं शास्त्रीय उदारवाद की विशेषता की बात कर रहा हूं। राज्य की भूमिका गौण होती है। राज्य एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करता है, सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करता है। अगर मैं इसकी तीसरी विशेषता करूं तो व्यक्ति को संपत्ति रखने और संपत्ति का विकास करने का अधिकार है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके अनुसार, शास्त्रीय उदारवाद की विशेषता की बात कर रहा हूं, इसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसका लाभ ये मिला उदारवाद का कि इसने लोकतंत्र को प्रभावी बनाया। इसने संवैधानिक संस्थाओं, क्योंकि राज्य की, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कौन संरक्षण करेगा, तो वह संवैधानिक संस्था संरक्षण करेगा। इसने व्यक्ति संवैधानिक संस्थाओं को स्थापित करने का काम किया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को बढ़ावा मिला। इसने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को स्थापित कर दिया और कहा कि अब व्यक्ति का निजी मामला है,
आप भारतीय संविधान में भी, उद्देशिका में भी पंथ निरपेक्षता और अनुच्छेद 25 से 28 में भी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का प्रावधान, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को बढ़ावा दिया। इसने इसने मौलिक अधिकार, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षित कराया, मौलिक अधिकार का संरक्षण को बढ़ावा दिया। इसलिए अगर मैं इसके विशेषता, उदारवाद की विशेषता की बात करूं, शास्त्रीय उदारवाद की, तो ये कई विशेषता आपको दिखाई इसमें देती है। लेकिन इसमें एक शब्द है ना कि व्यक्ति को संपत्ति रखने और संपत्ति का विकास करने का अधिकार है। तो संपत्ति रखने और संपत्ति का विकास करने का अधिकार है, संपत्ति रखने और इसका विकास करने का अधिकार है जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दे दिया। पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दे दिया जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और एक मालिक होता है, बाकी नौकर होता है। हम तो जानते हैं ना पूंजीवादी व्यवस्था को हम लोग, और पूंजीवादी व्यवस्था में तो कंपटीशन की व्यवस्था बहुत ज्यादा होती है, नहीं प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस संपत्ति रखने और संपत्ति की अवधारणा ने, इसने असमानता को जन्म दे दिया, असमानता को जन्म दे दिया। यानी कि अब संसाधन पर कुछ ही वर्गों का अधिकार था, सब वर्गों का अधिकार नहीं था, संसाधन पर कुछ ही वर्गों का अधिकार था, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर उदारवाद पढ़ लेते हैं, और उदारवाद से इनका क्वेश्चन से अवधेश जी का कि पढ़ाएंगे जितना आप जो पढ़ाइएगा उससे कितना क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक जो हमने पढ़ाया है बंधु, अगर 10 क्वेश्चन अगर टॉपिक पढ़ा तो 10 क्वेश्चन आ, 10 में से 7 क्वेश्चन एकदम टॉपिक से ही आएगा, 10 में से 7 क्वेश्चन, 3 का कोई लेना देना नहीं होता, 10 में से 7 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। और सिर्फ ये चर्चा ही नहीं, साथ साथ इसका क्वेश्चंस का भी हम रिवीजन क्वेश्चंस भी डिस्कशन करते चले जाएंगे, इसलिए उतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि मैंने पढ़ाया और क्वेश्चंस न लड़ा हो, यहाँ तक कि मेंस का सारा क्वेश्चंस नोट से आया है, पिछले इतना वैरी करने के बाद भी बीपीएससी का सारा क्वेश्चंस नोट से आया था। एक क्वेश्चन 10 में से 1 क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं पढ़ाया, और नहीं पढ़ाए थे, टॉपिक की नहीं चर्चा हुई थी, क्लियर स्किप कर गए थे, सारा का सारा क्वेश्चन नोट से आया था। इसलिए वहां पर तो सोचना ही नहीं है कि कहां से आएगा, इससे बाहर है ही नहीं, क्या पूछेगा इससे बाहर, इतना डिटेल से कि अगर साथ कवर कर लेते हैं तो असमानता को जन्म दे दिया। चलिए इसी असमानता के खिलाफ जो अच्छा असमानता में पूंजीवादी व्यवस्था में मालिक और नौकर जैसी अवधारणा क्रिएट हो गई। अब मालिक है जो अतिरिक्त जो भी अधिशेष उत्पादन होता था इस पर नियंत्रण करने लग गया। इसी के खिलाफ तो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद और वैज्ञानिक समाज, समाजवाद नहीं वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दी थी कार्ल मार्क्स ने, इसी अवधारणा के खिलाफ, इस असमानता के खिलाफ, इस असमानता के खिलाफ जो मैंने पीछे कहा कि 1930 के दशक में जो वैश्विक मंदी आई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो इन्होंने ये तो लाभ की स्थिति में चले गए, बेरोजगार तो यह वर्ग होता गया, नौकर बेरोजगार हो गया, जो वहां मजदूर बेरोजगार हो गया, इसको तो लाभ ही नहीं मिल रहा था। और यही तो 2020 में आया जो मैंने कुछ देर पहले कहा, नहीं इस व्यवस्था के इसमें संशोधन हुआ और ग्रीन ने इसमें संशोधन करते हुए कहा कि नहीं जी, इस असमानता को दूर करने के लिए राज्य को भी कदम उठाने चाहिए, इसे राज्य एक कल्याणकारी तत्व के रूप में राज्य को कार्य करने चाहिए। और भारतीय डीपीएसपी को उठा करके पढ़िएगा, ठीक है, भारतीय डीपीएसपी को बहुत उठा करके पढ़िएगा, अभी तो नए नए स्टार्ट किए हैं, अभी सब आएगा धीरे धीरे, क्लियर। अब भारतीय डीपीएसपी को उठा तो उसमें भी देखिए कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य तत्व का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। और राज्य का कार्य है लोगों के विकास के लिए कार्य करना, इसे देखिएगा तो उसमें उदारवादी धारणा भी है। और देखिएगा कैसे राज्य आप 48 को पढ़ करके देखिए,
47 को पढ़ करके देखिए, 44 को पढ़ करके देखिए, 46 को पढ़ करके देखिए, उदारवादी अवधारणा स्थापित है ना राज्य का, क्लियर। इसीलिए यहां पर कहा गया कि नहीं जी, इसमें संशोधन करते हुए राज्य को भी प्रभावी भूमिका निभाना चाहिए, तो इसको कल्याणकारी राज्य की भी अवधारणा दी गई, कल्याणकारी राज्य की भी अवधारणा दी गई, जिसको फेबियन उदारवाद कहा गया। यही मैंने चर्चा कहा ना कि समय के साथ साथ यह बदलता चला गया और उदारवाद ने इसको बदल दिया, जिसको कार्ल मार्क्स नहीं समझ पाए। कार्ल मार्क्स ने तो पूंजीवाद का इतना विरोध किया कि इन्होंने तो क्रांतिकारी अवधारणा प्रस्तुत कर दी और रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म की अवधारणा दी, क्रांतिकारी समाजवाद की अवधारणा दी, और उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा हम आगे चर्चा करेंगे कि इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, पूंजीवाद को इन्होंने शोषक तत्व के रूप में माना, उदारवाद को नहीं, पूंजीवाद को शोषक तत्व के रूप में माना, और इसे कहा कि इससे असमानता क्रिएट हुई है और असमानता इसके कारण बड़े पैमाने पर शोषक वर्गों का उदय हुआ है, इसने शोषक वर्गों को समाप्त करने के लिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ की अवधारणा प्रस्तुत की। और मैंने कहा ना कि इसने जो मजदूर वर्ग था इसको इकट्ठा करने पर जोर दिया, और उन्होंने उन्हीं के एक साथी थे एंजल्स, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की नहीं, और उस समय एक नई अवधारणा जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, उदारवाद के खिलाफ नहीं थे वो, वह पूंजीवाद के खिलाफ थे, लेकिन फिर इसमें परिवर्तन आया और फिर नव उदारवाद और समुदायवाद की अवधारणा प्रस्तुत हुई। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन होते चले गए और नए नए विचार इसमें आते चले गए। तो उदारवाद की अगर विशेषता की बात करें तो शास्त्रीय उदारवाद की विशेषता अलग हो जाएगी, आपका क्या बोलते हैं, फेबियन समाजवाद या कल्याणकारी उदारवाद की व्यवस्था अलग हो जाएगी, विशेषता अलग हो जाएगी। इसी प्रकार आपका नव उदारवाद की विशेषता अलग हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चंस को समझिएगा, क्वेश्चन में परंपरावादी उदारवाद पूछ रहा है कि शास्त्रीय उदारवाद पूछ रहा है, कौन सा उदारवाद पूछ रहा है, यह क्वेश्चंस को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्लियर। इसलिए कई विचारक समय समय पर आते चले गए, कई विचारकों ने इस संबंध में मत दिए। आप अरस्तु को देखिए, प्राचीन काल से उदारवाद, हालांकि अरस्तु ने स्वामी और दास वाली प्रथा को भी जन्म दिया, उसके पहले प्लेटो ने उदारवाद और महिलाओं के विकास, महिलाओं की स्वायत्तता पर जोर दिया था, और उन्होंने स्वतंत्रता और न्याय पर महत्वपूर्ण अपनी मत रखे द रिपब्लिक में। नहीं, हॉब्स, रूसो, कई विचारक का इसमें मत है, तो अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, रूसो नहीं, ग्रीन, हेयक, जे एस मिल, आपसे कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन जो है यहां से पूछा गया, किसने इसकी अवधारणा दी थी, किसने इसकी व्याख्या की, ठीक है। तो यहां से तो प्लेटो की अवधारणा से जिसने व्यक्ति की महत्ता को स्थापित करते हुए इन्होंने स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि तीनों वर्ग यानी श्रमिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, विद्वान वर्ग, तीनों है जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, इसने इन्होंने साम्यवादी महिलाओं को विशेष स्वायत्तता दी। आप हॉब्स जिन्होंने सामाजिक समझौता जैसी नीति को जारी किया, रूसो जिसने सामाजिक अनुबंध जैसी अवधारणा प्रस्तुत कर, ये क्वेश्चन आया हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल एग्रीमेंट की अवधारणा, क्वेश्चन पूछा गया है। हेयक ने जिसने नव उदारवाद की अवधारणा दी, और ग्रीन जिसने है जो फेबियन समाजवाद या संशोधित उदारवाद या कल्याणकारी उदारवाद की अवधारणा दी। तो कई बार आपसे न यहां से क्वेश्चन आते हैं किसने कौन सी अवधारणा दी। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ भी डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चंस भी आपको डील कराऊंगा किस तरीके से उदारवाद से क्वेश्चंस आए हैं, क्लियर। तो अगर उदारवाद के विभिन्न डायमेंशंस को यदि समझ लेते हैं, मैं इसे लिखवाऊंगा भी, अगर उदारवाद के विभिन्न डायमेंशंस को समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस आसानी से कवर हो सकता है, और इससे बाहर नहीं है क्वेश्चंस।
इसे जो स्टूडेंट्स को यह समस्या है कि क्वेश्चंस को हम पीजीटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाए, कैसे बना पाए, वो सारे टॉपिक्स आपको यहीं से कवर होंगे। और उसका तरीका ये ही है कि इन विभिन्न डायमेंशंस के आधार पर हम इसकी चर्चा कर लेंगे। मैं आज वाली क्लास में सिर्फ मैं एक मोटा मोटी मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उदारवाद को किस स्तर पर पढ़ा जाना चाहिए, उदारवाद से क्वेश्चंस कैसे। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ, नए क्लास में आपके साथ इसके टॉपिक के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था की भी चर्चा करूंगा। तो आज के लिए उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे आगे बढ़ाइए, दोस्तों तक भेजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका सुझाव है उस संबंध में अपने विचार दीजिए, कमेंट कीजिए। तो आगे वाली क्लास में हिस्ट्री की क्लास आपका कुछ देर के बाद शेड्यूल लग गया होगा, हिस्ट्री की क्लास फिर चलेगी। ये तो पॉलिटिकल साइंस का उदारवाद का टॉपिक था, अभी हिस्ट्री के सर जो हैं हिस्ट्री के क्लास में बताएंगे और आपको उसके सिलेबस के साथ साथ कुछ टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। तो हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।